खा के गुजिया पी के भंग लगा के थोड़ा थोड़ा सा रंग बजा के ढोल और मृदंग खेले होली हम तेरे संग। वैसे तो हर त्यौहार का अपना एक रंग होता है जिसे आनंद और उल्लास कहते हैं, लेकिन हरे पीले लाल गुलाबी आदि रंगों का त्यौहार है होली। होली का त्यौहार रंगों के माध्यम से संस्कृति के रंग में रंगकर सारी भिन्नताएं मिट जाती हैं और सब बस एक रंग में रंग जाते हैं। धार्मिक रूप में भी होली बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता यह है कि इस दिन स्वयं को ही भगवान मान बैठे हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद को भगवान की भक्ति में लीन अपने पुत्र प्रह्लाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जला देना चाहा था, लेकिन भगवान ने अपने भक्त पर अपनी कृपा की और प्रह्लाद के लिए बनाई गई चिता में स्वयं होलिका जलकर मर गई। इसलिए इस दिन होलिका दहन की भी परंपरा है। होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है, इसलिए इसे रंग वाली होली और धुलंडी भी कहते हैं। इस साल 2020 में होलिका दहन यानी छोटी होली 9 मार्च को मनाई जाएगी और होली 10 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन का उत्सव फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में शुरू होने पर होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन पर लोग ईश्वर से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके साथ होलिका की आग में उपले भी पकाए जाते हैं और इसके अलावा होलिका दहन की परिक्रमा भी खास मानी जाती है। घर में सुख शांति और समृद्धि, संतान प्राप्ति आदि के लिए महिलाएं इस दिन होली की पूजा करती हैं। दूसरे दिन रंग वाली होली मनाई जाती है। रंग वाली होली को राधा कृष्ण के पावन प्रेम की याद में भी मनाया जाता है। होली सर्दी के समापन और बसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है। होली को रंगों का त्यौहार कहते हैं। यह उत्सव फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रंग पर्व होली हमें जाति, वर्ग और लिंग आदि विभेदों से ऊपर उठकर प्रेम व शांति के रंगों को फैलाने का संदेश देता है। रंगों के होते हैं कई नाम, कोई कहे लाल कोई कहे पीला, हम तो जाने बस खुशियों की होली, राग द्वेष मिटाओ और मनाओ होली। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।